ये फेस्टिवल सीजन में कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स ने लाया है अब तक की सबसे बेस्ट डील और ढेर सारे अशॉर्ट फ्री गिफ्ट्स। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स को मुमरा में पिछले 11 सालों से एक ट्रिमेंडस रिस्पांस मिला है। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एक ही छत के नीचे मिलेंगे, फिर चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, माइक्रोवेव या फिर मोबाइल फोन, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स पर सब मिलेगा। और हाँ, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में फाइनेंस भी अवेलेबल है। 0% डाउन पेमेंट पर आप अपने कोई भी मन चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ले सकते हो। बेहतरीन ऑफर्स एंड फ्री गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ आपको कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही मिलेगा। तो एक बार जरूर स्टोर विजिट करें कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओल्ड नशेमन कॉलोनी नियर बशीर मेहंदी वाला मुंबई। ड्रिंक में मुझे कुछ मिला के पिला दिए थे, जिसके बाद मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगे थे, और अगर किसी के सामने मुंह खोली तो ऐसा वैसा कर दूंगा, मेरे को धमकियां देते थे। फ्रेंडशिप में सब चलता है करके बोल के मेरा पैर पकड़ के सीधे मेरे को लिटा दिया था, वो मेरे ऊपर अपना टी शर्ट निकाल के आने लगा। लिविंग रिलेशनशिप में रहकर ही सब आगे बढ़ते हैं, शादी करते हैं, यही वो लड़का। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के जुहू इलाके की रहने वाली एक लड़की ने मुमरा के तनवर नगर में रहने वाले फैजान मुइनुद्दीन मुकादम पर शादी का झांसा देकर कि उसे वो पसंद करता है इस तरह की बातें कहकर उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और शादी से अब इनकार कर दिया, जिसके खिलाफ इस लड़की ने शीलडायघर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि इस लड़की ने बताया कि रिलेटिव के ज़रिए फैजान से उसकी जान पहचान हुई थी और फैजान उसके बाद इंस्टाग्राम पर जो है उसके संपर्क में आया और दोनों के बीच में बातचीत होने लगी। दरअसल ये पूरा मामला 2020 और 21 का है। उस वक्त फैजान इस लड़की से कहा था कि वो उसे पसंद करता है और उससे शादी करेगा और इन दोनों में बातचीत चल ही रही थी। और इसी बीच फैजान ने लड़की को बताया कि उसके दोस्तों की पार्टी है और पार्टी की बात कहकर फैजान लड़की को शीलडायघर के हद में एक लॉज में ले गया, जहां उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया और उसे जो है पिला दिया और उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया। हालांकि लड़की का कहना है कि जब तक उसे होश था तब तक वो इसका विरोध करते रही, उसे कई बार जो है कहा कि ये गलत हो रहा है लेकिन फैजान नहीं माना। हालांकि उसके बाद बताया जा रहा है कि फैजान जो है बाहर चला गया था, बाहर गांव कमाने चला गया था, लेकिन अब जो है फैजान की शादी हो रही थी, यानी 7 जनवरी 2024 को फैजान की शादी होने वाली थी किसी दूसरी लड़की के साथ और इस शादी का कार्ड इस लड़की तक पहुंच गया, जिसके बाद ये लड़की एक्शन में आ गई और शीलडायघर पुलिस स्टेशन पहुंची और फैजान के ख़िलाफ़ 376/2, 504/504 और 506 के तहत FIR दर्ज कराई है। हालांकि फैजान की जो 7 जनवरी 2024 को शादी होने वाली थी वो कैंसिल हो चुकी है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हमने फैजान मुइनुद्दीन मुकादम के घर वालों से उनका भी पक्ष जानना चाहा कि इस पूरे मामले में उन लोगों का क्या कहना है, लेकिन किसी ने भी कैमरे के सामने बोलने से जो है मना कर दिया कि वो कैमरे के सामने किसी भी तरह का कोई बयान नहीं देंगे। लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि फैजान पर जो लड़की आरोप लगा रही है उसके खिलाफ मुमरा पुलिस स्टेशन में उन लोगों ने भी लेटर दिया है, शिकायत की है कि फैजान और इस लड़की के बीच में जो विवाद चल रहा है इसको लेकर उन लोगों की तरफ से भी मुमरा पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई है। लेकिन जो लड़की है इसने अब फैजान के ख़िलाफ़ शीलडायघर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई है और क्या कुछ इस लड़की ने कहा है आपको सुनाते हैं। डायघर पुलिस स्टेशन में आपने शिकायत दर्ज कराई है, किसके खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई है और क्या पूरा मामला? मैं शिकायत दर्ज करा यहाँ पे FIR लिखाई थी फैजान मैनुद्दीन मुकादम के खिलाफ। उन्होंने मतलब मुझे ज़बरदस्ती मेरे साथ तो ज़बरदस्ती की है और एक ड्रिंक में मुझे कुछ मिला के पिला दिए थे, जिसके और उसके बाद मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगे थे। उनको मना करने के बाद भी इस तरह मेरे से शारीरिक संबंध रखे थे। ये कब की बात है, कितना दिन? ये 2021 की बात है। 2021 में
मार्च से लेकर मतलब दिसंबर तक वो मेरे साथ ऐसी धमकी दे के मेरे को बोलते थे कि मैं तेरे घर में बता दूंगा, तू अगर किसी को बताई तो कंप्लेन की तो, मेरे को बार बार वही धमकी दे दे के मुझे डेली हमेशा हर हफ्ते में से 3 से 4 बार मेरे साथ वैसी हरकत करते थे, और कभी कभी मेरे घर के पास भी आ जाते थे, मेरे एरिया में भी आके हंगामा करते थे मेरे साथ के मेरे घर पे कोई नहीं है तो मैं आ जाऊँगा घर पे। फिर वही वापस सेम चीज़ रिपीट करते थे कि मैं मेरी बुआ को बता दूंगा, तुम्हारी कज़न बहन लोग को बता दूंगा, और अगर किसी के सामने मुँह खोली तो ऐसा वैसा कर दूंगा, मेरे को धमकियाँ देते थे। जिसका आप नाम बता रहे हैं लड़की का, ये लड़का कहाँ का कहाँ रहता है और आपका घर कहाँ है? फैजान मुकादम मुमरा में तनवर नगर कौसा में रहता है और मैं रहती हूँ जूहू में। तो वो मुझे इंस्टाग्राम से मुझे फॉलो करता था मेरी बहन के ज़रिए, और वो मुझे खुद सामने से शादी के लिए बोलता था, और मेरे साथ तो दोस्ती बना के फिर वो बोला कि मेरे दोस्त के घर की पार्टी है चलो करके वहाँ पे, और वहाँ पे जाके मुझे ड्रिंक में कुछ तो मिला के पिला दिया और मैं उसे फिर ज़बरदस्ती करने लगा था। और वो आपकी दोस्ती 2021 में? हाँ, 2020 के एंडिंग में दिसंबर में हुई थी। वो तीन महीने तक मेरे पीछे पड़ा रहा कि मेरे को आप पसंद हो करके, उस हिसाब से। हाँ, उसने बोला था कि अभी मैं कुछ कमाता नहीं हूँ, अभी डैडी मेरे को बुला रहे दुबई, 2 साल दुबई जाकर आऊँगा, फिर वहाँ से आने के बाद मैं तुमसे शादी की बात करूँगा, घर पे भी शादी के लिए करूँगा। और ये यही वो लड़का। आपने इसके खिलाफ और भी पहले भी कंप्लेंट वगैरह कुछ? हाँ, मैं बहुत सारे पुलिस स्टेशन में गई, जूहू पुलिस स्टेशन से लेके मुमरा पुलिस स्टेशन तक आई, किसी ने भी मेरी मदद नहीं किया, बस बात को नहीं होगा FIR ऐसा वैसा उल्टा सीधा मतलब बोल के मुझे ही हटा दिया गया, बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत पुराना तुम्हारा केस है, ये वो झूठ बोल बोल के मेरे को हटाते गए, कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। फाइनली जाके डाइगर पुलिस स्टेशन में मेरा FIR दर्ज हुआ है। हाँ, मुमरा पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन भी डाली थी, तो वहाँ के जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने सीधे बोले कि आप किधर पे भी कंप्लेंट डालो सब मेरे मुमरा पुलिस स्टेशन में आएगा, जिसका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरे खिलाफ़ ज़बरदस्ती का वसूली का उन्होंने खिलाफ मेरे डाल दिया था कि मैं उनसे ज़बरदस्ती वसूली करना चाहती हूँ। मैं ये फैजान मुकादम के अब्बू ने डाले थे, मैनुद्दीन मुकादम, मतलब उनको ये मेरे बारे में गलत डाले थे कि मैं उनसे उनके बेटे को फंसा कर पैसा वसूली करना चाहती हूँ करके, और ज़बरदस्ती उनसे शादी करना चाहती हूँ। आप कह रही कि आपके साथ उसने गलत हरकतें की जी, तो कहाँ पर लेके गया था वो, और आप तो क्या कैसे गई आप, ज़बरदस्ती था या खुद गई थी आप? नहीं, वो मुझे जब दोस्ती किया तो उसने बोला कि मेरे दोस्त की पार्टी है तो वहाँ पे हम लोग चलते, सारे दोस्त लोग आ रहे करके, ये बोल के वो मुझे लेकर आया, बोला कि उसके घर पे पार्टी है। फिर उसके घर पे नहीं थी वो पार्टी, मुझे अपने मुमरा से आगे कोई तो सिलफाटा करके रोड था, वहाँ पे उसने बोला कि वहाँ पर है, वहाँ पे सारे दोस्त लोग मेरा बैठ के इंतज़ार कर रहे, वहाँ पर लेकर गया। फिर जब वहाँ पर लेकर गया तो मुझे वो जगह सही नहीं लग रही थी, मैंने उसको साफ बोली कि फैज़ान ये जगह सही नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ से चलो। तो वो बोलता है कि नहीं, सब रूम में वेट कर रहे हैं, अभी इधर से आकर जाएंगे तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। जब वो रूम में लेकर मतलब जाने से पहले उन्होंने हम लोग के ID प्रूफ लिए थे कि रूम में जाने के लिए ID प्रूफ लगेगा करके, तो मैंने ये भी सवाल उनसे पूछी कि ID प्रूफ क्यों लगेगा, क्योंकि बुक तो उनके दोस्त लोगों ने सब मिलके किए ना रूम, तो हम लोग के ID प्रूफ क्यों लगे? तो बोला कि सबकी ID प्रूफ लगे, जितने लोग भी एंट्री होते हैं उन लोग, ऐसा बोल के वो मेरे ID प्रूफ लिया और एंट्री करवा के खुद ही, उसने पैसे भी उसी ने मेरे सामने दिए। तो मैं भी वो भी सवाल की कि तो पैसे फिर किस लिए दे रहे जब तुम्हारे दोस्त की पार्टी है? तो वो फर्स्ट मेरे को कुछ तो फर्स्ट फ्लोर पर लेकर गया और बोला कि ये रूम में बैठकर तुम आराम करो करके, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ। फिर उसने बोला कि एक काम करो, जब तक ये सॉफ्ट ड्रिंक पियो, तो उसने मुझे थम्सअप निकाल के दिया बैग से और ग्लास में डाल के बोला कि आराम से बैठो जब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो गया, फ्रेश होकर आया, फिर वो अपना हुक्का विक्का बनाने लगा, बोलता कि हुक्का विक्का बना। तो मैंने उससे वापस पूछी कि फैज़ान तुम्हारे फ्रेंड्स लोग नहीं है इधर पे, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हो तुम, मेरे को अजीब लग रहा है, गंदा लग रहा है करके। तो बोलता है कि कुछ नहीं, वो लोग अंधा बे है, मैंने तुमको झूठ बोला कि
अभी तक वो लोग आ गए कि मेरा इंतज़ार करें, लेकिन वो लोग नहीं आए थे और वो लोग कोई आने वाला भी नहीं था, ऐसा बोल के मेरे को हंसने लगा और फिर बिठाया। और मैं जब वो कोल्ड ड्रिंक पी तो उसने मेरे को सर घूमने लगा और चक्कर आया तो मैं गिर गई। जब गिरी तो वो मेरा पैर पकड़ के सीधे मेरे को लिटा दिया था, सीधे लिटा के और कंबल उड़ा दिया। जब कंबल उड़ाया तो मैंने बोली कि फैजान मेरे को सही नहीं लग रहा, यहाँ से चलो। तो वो फिर भी वो जाने के लिए रेडी नहीं था, फिर बोलता है कि तुम आराम करो, थक गई हो करके, इसके लिए तुम्हारा सर दुख रहा है। फिर उसके बाद जब मेरी आँख थोड़ी थोड़ी बंद होने लगी तो वो मेरे ऊपर अपना टी शर्ट निकाल कर आने लगा। तो जब टी शर्ट निकाल कर आने लगा तो मैं उसको धक्का दे के, फैजान ये गलत है करके, जो भी हमारा रिश्ता बनेगा शादी के बाद बनेगा। तो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल है, फ्रेंडशिप में सब चलता है करके बोल के ज़बरदस्ती मेरे पास वापस ऊपर मेरे आ रहा था। तो वापस मैंने धक्का दी तो वापस बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, लिविंग रिलेशनशिप में रहकर ही सब आगे बढ़ते हैं, शादी करते हैं, ये वो सब मेरे को बोलने लगा। और फिर मेरे को मतलब और ज़्यादा चक्कर आने लगा तो उसने मतलब ज़बरदस्ती मेरे हाथ पकड़ के दबा दिए थे और मेरे बॉडी पे पूरा सो गया था। उसके बाद से वो गंदी गंदी हरकतें करने लगा। फिर मैं रोने लगी तो बोलता है कि कुछ नहीं होता, ना मैं ही हूँ, ना मैं ही तुमसे शादी करूँगा, ना ऐसा ऐसा बोल के वो मेरे को मनाने लगा। और फिर जब मैं नहीं मानी तो बोलता है कि तुम अगर किसी को बोलोगी तो तुम्हारी बुआ को और तुम्हारी बहन लोग को, कज़न बहन लोग को मैं बता दूंगा, क्योंकि तुम्हारी बुआ और कज़न बहन इधर ही मुमरा में रहते करके। तो वो मेरे को ऐसा ब्लैकमेल करने लगा और चुप करा के फिर लेके चला गया और मेरे घर तक छोड़ दिया जाके। और फिर वापस नेक्स्ट डे वापस ऐसी बात कर करके कि मेरी बात सुनो, मेरे को पैसे दो, मेरा बाइक में पेट्रोल डालना है, मेरे बाइक का ये टूटा है वो टूटा है, सब चीज़ें वो मेरे से पैसे वसूली करने लगा कि मेरे को मेरे बाइक से घूमना है। और वो कुछ काम तो करता नहीं था, सारे जो भी तो ट्रांसफ़र थे मेरे पैसे वो यूज़ करता था, पेट्रोल में, गाड़ी में, ये सब चीज़ों में। उसके बाद मेरे को बार बार इसी बात का ब्लैकमेल करता था कि तुम अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे अब्बू को बोल दूंगा, तुम्हारे अब्बू को मिलूंगा, या फिर तुम्हारी बुआ को बोल दूंगा, तुम्हारी बुआ तुम्हारे अब्बू को बोल देगी। मेरे को हर चीज़ मतलब हर बार वो ब्लैकमेल कर करके मेरे साथ एक साथ मेरे साथ ही रहा कि हाँ मैं अब शादी भी करूँगा। फिर वापस एक दिन बिना बोले चला गया। फिर दुबई से मेरे को फ़ोन करके बोलता है मैं 2 साल बाद आऊँगा, मैं जब कमा लूँगा तो शादी करूँगा। और वो आज अभी मुझसे शादी नहीं कर रहा है, मेरे को बोलता तेरी औकात क्या है करके। कब वो दूसरी शादी करने वाला? वो दूसरी शादी ये जनवरी में ही 7 तारीख को करने वाला था। जनवरी 7 तारीख? हाँ, आज 7 तारीख। हाँ, आज ही करने वाला, आज ही उसकी शादी है। हाँ, और आप क्या चाहते हैं? मैं जो उसने मेरे को वादा किया 2 साल मेरे को रुका के रखा, जबरदस्ती मेरे साथ किया, मैं चाहती हूँ क्यों पहले हक मुझे मिले, चाहे कैसे भी मिले। अभी आपने मुझे बस इंसाफ चाहिए इसके लिए। क्या क्या इसमें 376 लगा है, 376 लगा है, 376-2 लगा है और 504 लगा है, 506 लगा है। पुलिस ने अभी तक क्या उसे गिरफ्तार किया है? नहीं, अभी तक उसको कोई एक्शन नहीं लिए, कोई उसको रिमांड में नहीं लिया, सिर्फ मैं ही भागम दौड़ी जब से कर रही हूँ और उनको कोई ना कोई कॉल कर रहा है, ना उनसे कोई पूछताछ कर रहा है। यानी आपका जो ये मामला है ये 2020 और 2021 के दरमियान? हाँ।